सो गाइस हाई एंड गेम्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कि पाल वर्ल्ड, GTA 5, रेड डेड रिडेम्पशन और WWE। बट ऐसे गेम्स को खेलने के लिए आपको या तो एक PC चाहिए या एक PS5। बट क्या आपको पता है कि आप इन दोनों डिवाइस के गेम्स को एक और चीज पर खेल सकते हो जिसे निंटेंडो स्विच कहते हैं, जिसमें आपको PC और कंसोल के अनगिनत हाई एंड गेम्स देखने को मिल जाते हैं। और पिछली वीडियो में भी मैंने काफी सारे हाई एंड गेम्स बताए थे जो आपको इसी निंटेंडो स्विच पर देखने को मिलेंगे। सो अगर आप चाहो तो निंटेंडो स्विच को खरीद सकते हो। बट अगर आपके पास एक फोन है और आप इस वीडियो को बिना चालाकी करे एंड तक पूरा देखते हो तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ अपने प्यारे से फोन को एक NS में, जिसके बाद आप भी सभी हाई एंड गेम्स को खेल सकते हो। सो आप बस वीडियो को लाइक कर दो, जितने ज्यादा हो सके उतने कमेंट कर दो, और तब तक हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ओके गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं कि अपने फोन को NS में कन्वर्ट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। सो सबसे पहले तो एक फोन के अंदर एक बेस्ट NS एमुलेटर की, कुछ कीज और एक गेम पैड, और सबसे मेन गेम्स की, क्योंकि वही तो खेलनी है। और गाइस गेम पैड जरूरी नहीं है, अगर आपको बिल्कुल कंसोल वाली फील लेनी है तो आप यूज कर सकते हो। और एक चीज और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको आगे पता चल जाएगी। सो लेट्स गो गाइस। सो फिर से एक बार वीडियो में आपके इंटरेस्ट और लालच को बढ़ाने के लिए मैं वीडियो के मेन पार्ट को अभी दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या सच में हम निंटेंडो स्विच के हाई एंड गेम्स को अपने मोबाइल में खेल सकते हैं या फिर नहीं। सो गाइस इन सभी चीजों को चेक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आउटपुट और एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने काफी सारे हाई एंड गेम्स को डाउनलोड किया हुआ है। और हाँ गाइस, अब बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप जानना चाहते हो कि ये गेम्स आपको कहाँ मिलेंगे। सो हम सिर्फ दो गेम्स को प्ले करके देखने वाले हैं जिन्हें खेलने के लिए लोग सबसे ज्यादा उतावले हैं। सो सबसे पहले हम मोस्ट पॉपुलर गेम, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि कुछ ही टाइम पहले रिलीज हुआ है। सो मैंने इसे ओपन कर दिया है। और गाइस मैंने फोन को कंट्रोल से कनेक्ट किया हुआ है, आप चाहो तो गेम को टच कंट्रोल से भी आराम से खेल सकते हो। सो ओके गाइस, फर्स्ट गेम स्टार्ट हो गया है, जो कि कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जो कि शायद देखने में आपको नॉर्मल लग रहा हो बट खेलने में बहुत जबरदस्त है और मोस्ट पॉपुलर गेम भी है, तो इसलिए मैंने दिखा दिया। सो अब नेक्स्ट और लास्ट गेम को खेलकर देखते हैं, जिसके लिए आपने सबसे ज्यादा कमेंट किए, यानी कि पाल वर्ल्ड की जैसे गेम पोकेमोन लेजेंड्स RCS को, जो कि बिल्कुल पाल वर्ल्ड के जैसा देखने को मिलता है। और हाँ गाइस, इस गेम का साइज 6GB है, और क्योंकि सभी गेम्स हाई एंड PC गेम्स ही होने वाले हैं, तो आपको सभी गेम्स का साइज भी हाई एंड ही देखने को मिलेगा। सो गाइस जैसा कि मैंने आपके सामने ही गेम को स्टार्ट किया था और गेम एकदम स्मूथ वर्क कर रहा है। सो अगर आपको बिल्कुल पाल वर्ल्ड के ऐसा कोई गेम खेलना है तो आप इस गेम को आराम से खेल सकते हो। और निंटेंडो स्विच के पाल वर्ल्ड के ऐसे पोकेमोन गेम के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। और गाइस आई नो आपके माइंड में भी एक सवाल आ रहा होगा कि क्या मेरे डिवाइस में भी गेम ऐसे ही चलेगा या फिर नहीं, और अगर लो एंड डिवाइस है तो क्या करें जिससे गेम स्मूथ चले। सो ये सभी चीजें भी आपको आगे पता चल जाएगी, लेकिन उससे पहले चलिए अपने फोन को NS में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे वीडियो पार्टनर की। सो गाइस क्या आपको भी कोई डॉक्यूमेंट PDF बनाने में, PDF को एडिट करने में, या फिर PDF और सॉफ्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है और आप MS Office जैसे महंगे सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते, तो Swift2PDF आपके लिए कंप्लीट PDF सॉल्यूशन है, जहां आप PDF क्रिएट करने से लेकर उसे एडिट करने और किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करने तक सभी चीजें कर सकते हो। साथ ही बेसिक से एडवांस लेवल तक के सभी ऑप्शन और टूल्स भी देखने को मिल जाते हैं, बिल्कुल MS Word की तरह, जिससे आप एक परफेक्ट PDF और डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। और गाइस मैं मोस्टली वीडियो की स्क्रिप्ट भी इसी में एडिट करता हूँ, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस काफी ज्यादा सिंपल और इजी टू यूज है। और Swift2PDF में आपको काफी सारे यूजफुल टूल्स फर्स्ट इंटरफेस में ही देखने को मिल जाते हैं, जो आपके वर्क फ्लो को और भी फास्ट कर देते हैं। सो आपको एक बेस्ट PDF मेकर सॉफ्टवेयर चाहिए तो Swift2PDF आपके लिए है। सो जल्दी से जाओ और डाउनलोड करो, Swift2PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस ये रहा मेरा फोन, जिसमें मैंने NS के एमुलेटर को डाउनलोड कर लिया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। गाइस मैंने निंटेंडो स्विच के काफी सारे एमुलेटर को यूज करके देखा है, बट ये वाला काफी स्मूथ वर्क करता है। सो चलिए इसे ओपन करते हैं और सेटअप करते हैं, और ओपन करते ही ये स्क्रीन देखने को मिलती है। सो बस गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देते हैं, और अब आती है मेन चीज। सो गाइस ये जो चीज आप स्क्रीन पर लिखी देख रहे हो, मैं इसी की बात कर रहा था, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, और इसके बिना कोई भी गेम वर्क ही नहीं करेगा। सो ये चीज आपको कैसे मिलेगी ये आगे बताऊंगा, उससे पहले इसे सेटअप कर लेते हैं। सो आपको सिंपली सिलेक्ट कीज पर क्लिक करना है, और जिस भी फोल्डर में आपकी कीज रखी हुई है उस फोल्डर को ओपन करके फर्स्ट वाली प्रोडक्शन कीज पर क्लिक कर देना है, और डन। सो अब बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस चीज के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि गेम को इंसर्ट कैसे करना है। सो आपको सिंपली एड गेम्स पर क्लिक करना है, और जिस भी फोल्डर में आपके गेम्स पड़े हुए हैं उसे ओपन कर लेना है, और फिर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, देन अलाउ। और गाइस अगर आपके फोन में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं और स्टोरेज फुल है, तो आप इस बॉक्स पर चेक लगा देना, उसके बाद ओके पर क्लिक करना, और फिर ये आपकी सभी गेम्स को अपने आप स्कैन करके इंसर्ट कर देगा। उसके बाद जस्ट क्लिक करो और खेलो। तो चलिए गाइस अब देख लेते हैं कि ये गेम्स और ये एमुलेटर किस किस के डिवाइस में वर्क करेगा। सो सबसे पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास कोई हाई एंड फोन ही होना चाहिए, बस आपके फोन में कम से कम 6GB रैम और कोई गेमिंग प्रोसेसर होना चाहिए, और 15,000 से ऊपर वाले सभी फोन्स में गेमिंग प्रोसेसर ही आता है। और अगर आपके फोन में स्नैपड्रैगन वाला गेमिंग प्रोसेसर है तो फिर तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, गेम्स एकदम स्मूथ चलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मीडियाटेक वाले में नहीं चलेगी, सभी फोन्स में बहुत आराम से चलेगी, बट स्नैपड्रैगन वाले में थोड़ी ज्यादा स्मूथ चलेगी। और गाइस कुछ लोगों के फोन में ये एमुलेटर थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, वैसे तो 90%
सेंड नहीं करेगा। बट अगर आपके फोन में इस एमुलेटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बस मुझे कमेंट करके बता देना, मैं या तो इस एमुलेटर की बेस्ट सेटिंग्स पर वीडियो बना दूंगा जिससे सभी के फोन में गेम एकदम मक्खन की तरह चलेगी, या फिर मैं टॉप 5 बेस्ट निंटेंडो स्विच एमुलेटर पर वीडियो बना दूंगा। सो आप बस कमेंट करके बता देना कि किस पर वीडियो बनाऊं। और गाइस अगर आपके पास 2GB या 4GB रैम वाला फोन है तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे यूज करके देखो। बाकी अगर आपका मन ना माने और आपके पास नेट की कोई दिक्कत नहीं है तो आप ट्राई करके देख लेना, कुछ गेम्स होंगे जो चल जाएंगे और सभी चीजों का लिंक्स तो आपको पता ही है कहां मिलेगा। सो ओके गाइस, मैंने तो अपने फोन को निंटेंडो स्विच में कन्वर्ट कर दिया है और सभी गेम्स को खेलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और गाइस आपको भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसी वीडियो को जरूर से लाइक कर दो। और अगर आप इस वीडियो पर 300 कमेंट्स पूरे कर देते हो तो मैं निंटेंडो स्विच के सबसे जबरदस्त टॉप 10 गेम्स पर वीडियो बना दूंगा, और खेलना कैसे है ये तो आपको पता चल ही गया है। तो कर दो जल्दी से और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अब तक की सबसे जबरदस्त टॉप 10 फोर्जा के जैसे मोबाइल गेम्स पर होने वाली है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और अगर पार्वल के ऐसे मोबाइल गेम्स खेलना चाहते हो तो राइट वीडियो पर क्लिक करो।